नमस्कार, घर का खाना सेहत का खजाना में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उत्तराखंड की बहुत ही फेमस खास भुज की बड़ी की रेसिपी। भुज मतलब सफेद पेठा, जिसे उत्तराखंड में भुज कहते हैं। भुज को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इसे ज्यादातर जगह सफेद पेठा के नाम से जाना जाता है, जिससे पेठे की मिठाई, पेठे की बड़ी, पेठे की सब्जी और कई सारी चीजें बनाई जाती हैं। कई जगह इसे कुमड़ा के नाम से जाना जाता है और हमारे उत्तराखंड साइड में इसे भुज कहा जाता है। दोस्तों, भुज यानी सफेद पेठे से बनी बड़ी की सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है। लेकिन भुज की बड़ी की सब्जी बनाने से पहले आपको भुज की बड़ी बनानी होगी, जिसकी रेसिपी आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए, रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। भुज की बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी उड़द के छिलके वाली दाल। दाल को अच्छे से छाट लें। तो यहाँ पर हम करीब ले रहे हैं 1 किलो दाल उड़द की। तो नाप के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 बड़ी सी बोल। इसमें हम डालेंगे दाल, तो यह हो गई हमारी करीब 1/2 किलो दाल। इसमें करीब 1/2 किलो दाल आ जाती है। तो इस दाल को हम बड़े से पतीले में डाल रहे हैं और इतनी ही दाल इसमें और डालेंगे, तो यह हो गई हमारी 1 किलो उड़द की दाल। अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा पानी और इसको मसल के अच्छे से 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे, ताकि इसमें जमी जो भी धूल मिट्टी गंदगी हो वो पानी के साथ अच्छे से निकल जाए। दाल को अच्छे से धोने के बाद इसमें डालेंगे पानी। पानी इतना डालेंगे जिससे दाल हमारी अच्छे से डूब जाए। फिर ढककर इसे रात भर भीगने के लिए छोड़ देंगे, ताकि दाल हमारी अच्छे से भीग जाए। अगले दिन सुबह दाल को चेक कर लेते हैं। यह देखिए दोस्तों, दाल हमारी बहुत ही अच्छे से भीग चुकी है। अब आप देख रहे होंगे दाल के छिलके दाल में से अलग हो गए हैं। तो रात भर दाल को भिगोने से यह फ़ायदा होता है कि दाल अच्छे से भीग जाती है और अच्छे से पिस भी जाती है। अब दाल में से पानी को अलग कर लेंगे। फिर इसे हम 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। धोते समय इसमें से दाल के छिलके भी निकलेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो दाल को धोते समय जितने छिलके निकल रहे हैं उसे निकलने दें। तो दाल को 2 से 3 बार अच्छे से धोने के बाद दाल का जो बचा कुचा पानी है उसे अच्छे से निकाल दें। दाल में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यह जितने भी दाल के छिलके निकले हैं उसे या तो गमले में रख दें, अच्छा खाद का काम करेंगे, या फिर फेंक दें। और दाल जैसे कि हमारी अच्छे से धुल चुकी है, इसमें अब पानी की एक बूंद भी नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में। तो ऐसी दाल चाहिए हमें पीसने के लिए। तो मिक्सी जार लें, इसमें थोड़ा थोड़ा दाल डालकर हल्का दरदरा पीस लें, बिना पानी डाले, पानी की एक बूंद भी ना डालें दाल को पीसते समय। तो दाल को थोड़ा दरदरा पीसें, बिल्कुल बारीक नहीं बनाना है। तो कुछ सेकंड के लिए ही मशीन को चलाएं, क्योंकि दाल बहुत जल्दी ही पीस जाती है। तो यह देखिए दाल हमारी पीस चुकी है। तो दाल का आप टेक्सचर देख सकते हैं। तो दाल का पेस्ट हमारा गाढ़ा और थोड़ा दरदरा है। तो एक बड़ा सा बर्तन लें, इसमें यह सारी पीसी हुई दाल डाल दें। तो सेम इसी तरीके से बाकी की बची हुई दाल भी पीस लें और सेम उसी बर्तन में दाल के पेस्ट को डाल दें। तो सारी दाल हम पीस चुके हैं, ढककर साइड में रख देंगे। तो अब लेंगे भुज यानी कि पेठा या सफ़ेद कद्दू। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, बाहर से हरे रंग का और अंदर से सफ़ेद। तो यह सफ़ेद कद्दू वजन में करीब 3 किलो है और बड़ी बनाने के लिए हमने करीब 3 किलो कद्दू और 1 किलो दाल ली है। दाल को तो हम ऑलरेडी भिगोकर पीस चुके हैं। तो सफ़ेद कद्दू लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह एक तो दिखने में हल्का हरे रंग का होता है, दूसरा इसे इस तरह दबाकर देख लें जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यह ठोस हो और कहीं से गला पिटा ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भुज यानी सफ़ेद पेठे को पानी से अच्छे से धो लेंगे, इस तरह हाथों से मसल कर चारों तरफ से। तो पेठे को धोने के बाद साफ कपड़े से पोंछ लें और इसे बीच से काटते हुए 2 भागों में कट कर लें। तो बाहर से तो आपने देखा ही कि यह हल्का हरे रंग का है और काटने के बाद अंदर से पूरा सफ़ेद है और अंदर कुछ इस तरह से बीज दिखाई दे रहे हैं। तो यह कुछ इस तरह का होता है। पेठे को इस तरह से कट कर लें जैसे कि मेरी मम्मी पेठे को कट करके आपको दिखा रही है। तो नाइफ की हेल्प से हमने सफेद पेठे में कट का निशान लगा दिया, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो अब इसको इस तरह से टुकड़ों में तोड़ देंगे। कट का निशान लगाने से ये देखिए पेठा हमारा कितना आसानी से टूट गया।
तो देखिए पेठा अंदर से कितना बढ़िया और अच्छा है। तो बड़ी बनाने के लिए ऐसा ही पेठा हमें चाहिए था। इस पेठे से बहुत ही बढ़िया और बेहद अच्छी बढ़िया बनेगी, जिसकी सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होगी। तो इस तरह से हमने पेठे को कट करके तोड़ दिया। अब हम पेठे के एक फांक लेंगे और इसके ऊपर जो बीज वाला पल्प जो आप देख रहे हैं उसे निकाल कर अलग कर लें। तो ये देखिए इस तरह यह मीठे तरबूज की तरह दिख रहा है। तो इसी तरह से हम बाकी फांकों से भी बीज वाला पल्प निकाल देंगे। तो पेठे में से बीज वाले पल्प को अलग करने के बाद यह जो बीज वाला पल्प हमने निकाला था इसे आप फेंके नहीं, क्योंकि इसकी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। इसके पल्प की सब्जी कैसे बनाई जाती है तो ये आप हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब हम इन पेठों के टुकड़ों को एक एक करके कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद यह इन लच्छों की तरह दिखाई देगा, जिसकी बड़ी बनने के बाद जो सब्जी बनेगी बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगी। अगर आपको पेठे के बड़े टुकड़ों को कद्दूकस करने में दिक्कत हो रही है तो आप इसे कट करके छोटे टुकड़े बनाकर कद्दूकस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सफेद पेठे को कद्दूकस कर लिया है। इसके बाद हम कद्दूकस किए हुए इन लच्छों को जितना आपके हाथ में आए उतना आप ले लें और उसे जितना हो सके निचोड़कर एक अलग बर्तन में रख लें। इसी तरीके से बाकी सभी कद्दूकस किए हुए पेठे को निचोड़कर बर्तन में रख लें। तो अब हम लेंगे यह पीसी हुई उड़द की दाल का पेस्ट, जिसे हमने थोड़ी देर पहले पीसा था। इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच करीब दरदरा कूटा काली मिर्च, एक चौथाई चम्मच हम इसमें हींग डाल रहे हैं। हल्दी, हींग, काली मिर्च, यह तीनों मसाले सेहत के लिए तो अच्छे हैं ही, साथ में इन बड़ियों का टेस्ट भी बढ़ाएंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ पेठा। अब हम इसे दाल के पेस्ट और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों उस वक्त तो भुज की बड़ी बहुत काम आती है। कभी ऐसा होता है जब आप नहीं समझ पा रहे होते हैं कि क्या बनाएं, तो उस वक्त आपने पहले से ही बढ़िया बनाकर रखी हो तो आप उस समय फटाफट से भुज यानी कि सफेद पेठे की बड़ी बना सकते हैं। इन बड़ियों से बनी सब्जी बहुत बहुत टेस्टी होती है। या कभी घर में सब्जी खत्म हो जाती है और आपका मन मार्केट जाने का नहीं कर रहा होता है तो उस समय भी आप यह बड़ी की सब्जी बना सकते हैं। और अगर किसी रीजन से मार्केट नहीं जा पा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, जैसे कभी थकान वगैरह या बारिश हो जाती है तो उस समय आप मार्केट नहीं जा पाते हैं, अगर आपके पास यह बड़ी बनी हुई है तो उस समय यह बड़ी बहुत काम आती है। तो यह सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो आप कोई भी बड़ा सा प्लेट ले लें और उसके ऊपर थोड़ा तेल डालकर उसे प्लेट के ऊपर चारों तरफ फैला लें, ताकि बड़ी बनाते समय बढ़िया प्लेट के ऊपर चिपके ना। अब ये दाल के पेस्ट का मिश्रण जो हमने बनाया था, इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाथ में लेकर गोल गोल घुमाते हुए हल्के हाथ से थोड़ा प्रेस करके इस तरह से बड़ी का शेप दे दें और प्लेट में रख दें। इसी तरीके से बाकी बचे मिश्रण से भी बड़ी का शेप देते हुए बढ़िया तैयार कर लें। बड़ी का साइज आप छोटा बड़ा किसी भी साइज में बना सकते हैं, लेकिन आप मीडियम साइज की बड़ी बनाते हैं तो ज्यादा सही रहता है, क्योंकि इस साइज की बढ़िया धूप में जल्दी सूखती है। दोस्तों कोशिश कीजिए बड़ियों को गर्मियों के दिनों में कड़ी धूप में सुबह जल्दी उठकर बनाएं, जिससे आपकी बड़ियों को सारे दिन की धूप मिलेगी, जिससे बड़ी का कलर सफेद रहेगा और बड़ी और ज्यादा अच्छी बनेगी। सारे मिश्रण से हमने बड़ियों को बनाकर प्लेट में रख दिया है। चलिए अब हम इन बड़ियों की प्लेट्स को धूप में रख देते हैं। बड़ियों को अच्छे से सूखने में 3 से 4 दिन का समय लग जाता है, तो बड़ियों को सूखने में चाहे 3 दिन या 4 दिन का समय लगे, लेकिन बड़ियों को अच्छे से सूखने दें, उलट पलट के अच्छे से सुखा लें। तो 4 दिन हो चुके हैं, हमारी भुज यानी सफेद पेठे से बनी यह बढ़िया अच्छे से सूख चुकी है। तो उत्तराखंड की प्रसिद्ध भुज यानी कि सफेद पेठे से बनी यह बढ़िया बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी उत्तराखंड की सबसे फेमस भुज की बढ़िया। उत्तराखंड में इसके अलावा कई तरह की बढ़िया बनाई जाती हैं, जैसे लौकी की बड़ी, मूली की बड़ी और इसके अलावा कई सारी बढ़िया हैं जो उत्तराखंड में बनाई जाती है। लौकी की बड़ी, मूली की बड़ी और उनसे बनी सब्जी की रेसिपी आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, जिनका स्वाद बेहद मज़ेदार है। यह आपके खाने की वैरायटी और खाने के टेस्ट को कई गुना बढ़ा देता है। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी है तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स गर्मियाँ भी हैं साथ में कड़कती धूप भी, तो धूप का फ़ायदा उठाएँ और बहुत सारी मात्रा में भुज यानी कि सफ़ेद पेठे की बड़ी बनाकर सुखाकर एयरटाइट कंटेनर में रख लीजिए। साल भर से ज़्यादा दिनों तक आप स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। तो जब कभी भी आपका मन करे बड़ी की सब्जी बनाकर खाने का तो भुज की बड़ी की सब्जी बनाकर खाइए। फ्रेंड्स आगे हम आपके साथ भुज यानी कि सफ़ेद पेठे की बड़ी से बनी सब्जी
की रेसिपी भी जल्द शेयर करेंगे। करते हैं हमारे उत्तराखंड की फेमस भुज यानी सफेद पेठे से बनी यह शानदार बड़ी की रेसिपी, आपको पसंद आई होगी, आप इन्हें जरूर ट्राई करें, यह बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो कमेंट द्वारा हमें जरूर बताएं आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।